सभी लोग का स्वागत है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। सो मित्रों एंड मित्राणियों, किसी दूसरे प्लेनेट के प्राणियों, बच्ची हो, हाँ, मेरे को मालूम है तुम लोग पूछने वाले हो कि भाई रमजान इवेंट किधर है, और इस बार ना आप लोगों को मैजिक क्यूब भी फ्री में मिलने वाला है। क्या बात है, वाह। और तो और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का फेसबुक अकाउंट एंड इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो रहा है, तो उसके लिए क्या सेफ्टी रखना है वो भी बताऊंगा। चलो भाई देखो अपने क्या करना। और तो और आप लोगों को फ्री में ढेर सारे आइटम्स मिलने वाले, जैसे कि मैजिक क्यूब फ्री में बंडल्स एंड बहुत कुछ। अगला एपिसोड है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने अपकमिंग कोलैबोरेशन के बारे में। तो आप लोगों को ट्रिपल आर का नाम तो सुना ही होगा, बट ट्रिपल आर नहीं, ये ट्रिपल ए। देखो यार पता नहीं ये गरीना वाले क्या उलझल चीजें लेके आते रहते हैं हर रोज, कभी यार ट्रिपल आर आ जाता है, कभी ट्रिपल ए आ जाता है, और कल को ट्रिपल एस आ गया ना, तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। एस एस बोला था ठरकियों, प्यारी समझ गई। गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने ट्रिपल ए इवेंट की, जिसको आप लोगों को नेक्स्ट कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी जो बीटीएस का कोलैबोरेशन है ना, ये खत्म होते ही आप लोगों को रमजान इवेंट आएगा, एंड जैसे ही वो एंड होता है ना, तो आप लोगों को ट्रिपल ए का फ्री कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा। और देखो यार ट्रिपल ई का कोलैबोरेशन में आप लोग को जो आइटम्स देखने को मिलेंगे ना, वो तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये बैकपैक है जो कि काफी बढ़िया है। अब जिनको भी नहीं पता ये ट्रिपल ई आखिर है क्या, तो जब जो WWE देखते हैं ना, उनको पता होगा कि भाई ये फाइटिंग वाला है। तो ये ग्लूअल की स्किन देख सकते हो यार, काफी बढ़िया ग्लूअल की स्किन है। एंड ये हाथ में फिस्ट देख सकते हो, वैसे तो यार ये फिस्ट मतलब लगभग सेम ही आ रहे हैं ये लोग, कलर डिजाइन सब कुछ सेम ही रख रहे हैं। हालांकि यार आप लोग देख सकते हो ये फिस्ट की स्किन भी एंड ये वाला इमोट भी। अब ये इमोट जो है ना वो WWE के ऊपर इंस्पायर्ड है, जैसे वो बॉक्सिंग करते हैं ना उस टाइम पे वो लोग खेलते हैं ना ऐसे, मतलब यार भाई कुछ भी उठा करके मारने लगते, तो उसी तरीके का है। एंड यहाँ पर लड़कियों का बंडल देख सकते हो, जो कि हो सकता है आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाए। तो तुम लोगों को बताना है तुम लोगों को ये वाला बंडल आखिरकार लगा कैसा। मेरे को तो यार एकदम टट्टी लगा है, बाकी यार लड़कों का बंडल तुम लोगों का तो महा टट्टी है। तो देख सकते हो यार ये कैसा लगा तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इनमें से कोई एक बंडल आप लोगों को फ्री में मिलेगा, एक इमोट फ्री में मिलेगा, एंड ग्लूअल की स्किन तो टॉपअप में आती आती है। अगला एपिसोड। देखो यार रमजान इवेंट कब से स्टार्ट होने वाला है इंडियन सर्वर में, और उसका कैलेंडर क्या होगा, क्या क्या इवेंट्स होंगे, सब कुछ बताने से पहले ना तुम लोगों ने एकदम प्यारा सा कमेंट करा है, तो वो कमेंट को शाउट आउट देना चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर KR गेमिंग भाई बोल रहे ना, तुम्हारी शायरी मैंने एक लड़की के ऊपर ट्राई किया, फंस गई भाई, शुक्रिया भाई। रमजान जो है ना वो एक महीने तक चलता है, अगर मैं गलत शब्द प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, अगर गलती से हो भी जाए तो आई एम सो सॉरी, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि रमजान इवेंट कब आएगा, तो देखो यार रमजान इवेंट आ चुका है इंडियन सर्वर में, बट फाइल को ऐड नहीं किया गया। ये बात भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो जैसा कि तुम लोगों को कल रात को पता चला, नया डायमंड रॉयल यानी कि पुराने ही बंडल जो है वो वापस से रिटर्न में आ गई है। इसका मतलब साफ साफ ये पता चलता है कि अभी नए फाइल जो है ना वो गेम में ऐड नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे गेम में सही तरीके से अपडेट आया ही नहीं है, मतलब वो भी 33 का अपडेट आया ही नहीं है। तो जितने भी आइटम्स है ना सारे के सारे पुराने ही आइटम्स रिटर्न में आने वाले, यानी हमारा जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल होने वाला है, डायमंड रॉयल होने वाला है, या फिर वेपन रॉयल की बात कर ले, वो सारी चीजें ना पुरानी चीजें रिटर्न में आएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक गेम में अच्छे तरीके से अपडेट नहीं आ जाता ना प्ले स्टोर वाला, तब तक आप लोगों को नई चीजें जो है ना बहुत कम देखने को मिलेगी, जो कि ऑलरेडी एडेड है, या फिर आप लोग को गेम के अंदर छोटे छोटे पैच अपडेट देखने को मिल जाएंगे हर रोज, मतलब यार जब भी नया चीज आने वाला होगा। अब देखो यार तुम लोग को बता दूं, रमजान इवेंट में ना आप लोग को बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि फ्री में मिलने वाली है, जैसे कि ये लड़की का बंडल, एंड हो सकता है कि आप लोगों को ना ये वाला इवेंट जो है 15 तारीख के बाद स्टार्ट हो इंडियन सर्वर में, क्योंकि अभी कोई भी बात नहीं बताया जा रहा है गरीना की तरफ से भी कि कब आखिरकार इंडियन सर्वर में वापस से आपको रिटर्न में देखने को मिलेगा फ्री फायर, अच्छे से अपडेट कब आएंगे। एंड बाकी लड़का लड़की का आप लोग को बंडल देख सकते हो, काफी बढ़िया लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात कर ले यहाँ पर लड़की का बंडल का, तो वो भी बढ़िया लग रहा है के साथ, तो आप लोगों को ये हो सकता है किसी वेब इवेंट में मिले, बट आप लोगों को जो लड़की का बंडल है फाइनली आप लोगों को फ्री में ही मिलने वाला है, जैसे कि हर बार होता है। और पिछली बार तो यार 6 तारीख से रमजान इवेंट स्टार्ट हो गया था, बट इस बार तो शायद नहीं होने वाला है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो यार ये तो रही डेट की बात, लेकिन इस इवेंट के अंदर आप लोगों को बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि ये वाला बैकपैक देखने को मिलने वाला है 1-2-3 लेवल में, और काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यार ये ग्रीन कलर का बैकपैक। वैसे मेरा फेवरेट नहीं है यार ग्रीन कलर, बाकी आप लोग को M1887 की स्क्रीन खा दूं तो स्किन आप लोग को काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगी, और ये व्हील डिटर्जेंट पाउडर जैसा, मतलब इनका एडवर्टाइजमेंट जैसा होता है ना, वैसे ही इसके अंदर भी नींबू निकल के आ रहा है। तो यार आप लोग बताना ये वाला शॉटगन कैसा लगा, और ये वाला एड देखे हो या नहीं?
एंड ये वाला जो इवेंट है ना वो वेब इवेंट में आने वाला है। किसी वेब इवेंट में आप लोग को कटाना की स्किन भी देखने को मिल जाएगी एंड साथ ही शॉटगन की स्किन भी देखने को मिल जाएगी। अब यार कटाना की स्किन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, ये हो सकता है टॉपअप इवेंट में आ जाए, रमजान टॉपअप इवेंट। बाकी यार आप लोग को यहाँ पर जीप की स्किन दिखा दूं तो ये फ्री में भी मिल सकता है। अभी कैलेंडर निकल के नहीं आया, जैसे ही कैलेंडर मेरे हाथ लगता है ना तुम लोगों को फटाक से बता दूंगा, और हो सकता है कैलेंडर आज रात 12 बजे ही आ जाए, तो रेडी रहना उसके लिए। एंड साथ ही साथ आप लोगों को ना यहाँ पर बाइक की स्किन देख सकते हो, काफी ज्यादा सेक्सी लग रहा है एंड बहुत सारे आइटम जो है अभी निकल के आने बाकी है। बाकी लॉबी आप लोग देख सकते हो यार, कुछ इस तरीके का लॉबी निकल के आने वाला है रमजान इवेंट के टाइम पे। एंड साथ ही साथ आप लोगों को इवेंट के अंदर ना ऐसा कलर का, मतलब यार भाई एरोप्लेन की स्किन भाई पता ही खतरनाक लग रहा है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो देखो यार 15 तारीख से पहले आप लोगों को इवेंट देखने को मिल जाएगा रमजान का। बाकी यार होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब कर ही देना। और भाई आप लोगों को मैजिक क्यूब के बारे में बता दूं तो भाई यार मैजिक क्यूब जो है ना आप लोगों को रमजान इवेंट में देखने को मिल सकता है यहां पर मिशंस कंप्लीट करने पे, तो रेडी रहो क्योंकि यार ये होली के इवेंट में नहीं आया था तो इस बार तो डन है कि भाई फाइनली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी यार अभी गरीना के ऊपर है, बहुत गरीना के लगे हुए एल लगे हुए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट की, तो यार देखो यहां पर बहुत ज्यादा आईडीज को डिसेबल की जा रही है, तो आप लोगों को मैं बता दूं अपने इंस्टाग्राम को आईडी को अलग रखना एंड फेसबुक आईडी को अलग रखना, दो डिफरेंट आईडी रखना एंड सब फॉर सब जो होता है ना, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि तुम मेरे को सब्सक्राइब कर दो भाई मैं भी तुम्हें सब्सक्राइब कर दूंगा, वैसे ही यार फॉलो फॉर फॉलो, मतलब यार तुम मेरे को फॉलो कर दो एंड मैं तुम्हें फॉलो कर दूंगा, इस तरीके की हरकत से आप लोगों की आईडी भी डिसेबल हो सकती है। एंड बहुत सारे लोगों का ना बहुत सारे भाई रीजंस की वजह से आईडी डिसेबल हो रही है, जैसे कि बहुत लोगों ने आईडी को ओपन ही नहीं करा है तो उन लोगों को लगता है कि ये नूब अकाउंट खोल करके ऐसे ही रख दिया गया है, तो उसकी वजह से भी डिसेबल कर देते हैं एंड बहुत सारे रीजंस है, तो आप लोग कोई भी गलती को मत करना यहाँ पर। एंड इतना ही तैयार होकर तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। हम मिलते हैं आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और एक कमेंट करना मत भूलना, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाक से आ जाओ। हम मिलते हैं आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए राधे राधे।